हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो कि आपके पास सी प्लस प्लस में अवेलेबल होता है, और आप इसको यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के आइटम्स को कंबाइन करने में। क्योंकि सेम टाइप के आइटम को कंबाइन करने के लिए हम ये अरे का यूज़ किया जाता है, लेकिन अरे को हम यूज़ कर सकते हैं जब सबके डाटा टाइप इंटीजर हो, जब सबके डाटा टाइप फ्लोट हो, और जब सबके डाटा टाइप करेक्टर हो। सेम डाटा टाइप के लिए हम अरे को यूज़ करते रहते हैं। अगर वो डाटा टाइप सेम ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर डाटा टाइप सेम ना हो तो हम इसे मर्ज कर सकते हैं और इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे हम बना सकते हैं। उसका एक सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लिखेंगे, जो कि हर प्रोग्राम के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। आयो स्ट्रीम STD, और इधर मैं नाम देती हूँ struct employee, brackets open and close। उसके बाद मेरे पास एक int type का employee ID है, एक character type के hybrid character, और एक plot type। plot में क्या आ जाएगी? salary। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं विद सेमी कॉलन और नेक्स्ट मूव करते हैं। हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय अली सेमी कॉलन। अब इधर मैं क्या लिखूंगी, अली डॉट एम्प्लॉय ID, उसको इनिशियलाइज करवा दूंगी 1 से, कि अली की जो एम्प्लॉय ID है वो 1 है। कोई भी आइडेंटिटी देनी है ना, आप कोई सी भी आइडेंटिटी दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। फिर अली डॉट, अली का फेवरेट करेक्टर कौन सा वो लिखेंगे, अली डॉट फेवरेट करेक्टर इज इक्वल टू, हमेशा हम करेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे अली डॉट सैलरी इज इक्वल टू 12,000। इसके बाद हम कर देंगे सी आउट, प्रिंट करवा देंगे। The value is 12,000.EmployeeID एंडर। उसके बाद सी आउट, दी वैल्यू इज अली फेवरेट करेक्टर और इसके बाद क्या लें एंडर। सिमिलरली सी आउट, दी वैल्यू इज अली अली डॉट सैलरी और एंटर कर देंगे। इसके बाद हम रिटर्न 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। प्लॉट सैलरी
ये डबल ब्रैकेट लगा दी, इस पर मूव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में आई कि वैल्यू, अली की वैल्यू क्या ऊपर इनिशियलाइज करवाई थी 1, और अली का फेवरेट करेक्टर क्या है सी, और अली की सैलरी क्या है 12,000। तो बेसिकली ये होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप हो तो हम उनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हम उसको मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन नहीं करते, हम उसको मर्ज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे इधर मेरे पास इंट, करेक्टर, फ्रॉड, ये डिफरेंट डाटा टाइप थी, तो मैंने क्या किया उनको मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसको नाम इनिशियलाइज करवाया एम्प्लॉय का अली, और अली का एम्प्लॉय आईडी क्या है 1 इनिशियलाइज करवाई, उसका फेवरेट करेक्टर सी, और अली की सैलरी 12,000। उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास अली की एम्प्लॉय आईडी और फेवरेट करेक्टर उसका और सैलरी वो आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरह होता है ये स्ट्रक्चर में, ठीक है। जब हमारे पास सेम डाटा टाइप ना हो तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है वो टॉप डाउन स्ट्रक्चर होता है, अपने प्रोग्राम को पीसीस में किया और फिर उनसे अलग अलग काम परफॉर्म, टास्क परफॉर्म किया। ऑलरेडी हमने एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम क्या रखा है फंक्शन में, जैसे कि ये देखिए हम जो फंक्शन बनाते हैं हेडर फाइल के बाद हम इंट मेन में, इंट मेन लिखते हैं और उसको क्लोज एंड ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि ये है हैश इंक्लूड आईएसटी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और रिटर्न जीरो। अब ये देखें फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर होता है, टॉप से स्टार्ट करते हैं और डाउन में हमारा क्या प्रोग्राम एंड हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को पीसीज में करते हैं और फिर इनसे सेपरेटली टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी हमने एक क्या है, एक फंक्शन बना दिया है, इस फंक्शन का नाम क्या है मेन फंक्शन। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये एक हमारा फंक्शन है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, ये मेन फंक्शन से। आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा, मेन के अंदर जो लाइंस होगी इनको एग्जीक्यूट करवाएगा और फाइनली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न जीरो कर देगा। रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। ये था हमारा मेन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में कौन कौन से आर्गुमेंट पास करवाने हैं वो देखते हैं। इस मेन फंक्शन को भी वो कर देते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं इंटीजर टाइप का इंट सम इंट ए इंट बी, उसके बाद इसको ओपन करते हैं और इसमें लिखते हैं int c इज इक्वल टू a प्लस b सेमी कॉलन और रिटर्न c, ठीक है। अभी इसी को रिमूव कर देते हैं। ये क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स को पास किया और ये जो रिटर्न c है यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा सी की वैल्यू। दो फंक्शन, एक फंक्शन में उसमें दो आर्गुमेंट पास किए ए और बी, हमको सपोज हम कोई सी भी वैल्यू देते हैं जैसे 4 + 3, वो इसको ऐड कर देगा तो वो जो वैल्यू आएगी 7, तो वो किस में रिटर्न हो जाएगी सी, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, int main
int num1, num2। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। फिर हम सी आउट करवाते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। और एंटर करते हैं। इसके बाद सी इन में कोई सा भी नंबर एंटर करते हैं, num1। सिमिलरली सी टू, num2 के लिए भी यही लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर। सी इन num2। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट द सम इज सम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, num1 num2। ये क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न वैल्यू कर देगा फंक्शन की। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, उसके बाद रिटर्न 0, सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करते हैं। इंट num1, इधर ब्रैकेट नहीं लगाई, अब रन करते हैं। फर्स्ट नंबर एंटर करती हूँ 8, 5, और सम करके उसने मुझे 13 दे दी। ठीक है, अब ये किस तरह इसने सम करके देखा है इसको देखते हैं। जब भी आप इसे num1 और num2 देते हैं तो ये सबसे पहले सम को ढूंढेगा। ठीक है, अपने मेन फंक्शन में किसको ढूंढेगा, सम को। सम को ढूंढने के बाद वो num1 और num2 की वैल्यू जो है वो 8 और 3 क्या 5 क्या कर देगा, पास कर देगा। जैसे मैंने 8 और 5 पास कर दिए, इसकी वैल्यू वो किसी मिल जाएगी, ये जो ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया था ना, इंट ए और इंट बी की दो आर्गुमेंट पास किए थे, इसको मिल जाएगी 8 और 3। ठीक है, अब ये जो 8 और 3 है इसमें रिटर्न सी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी को वो जमा करेगा, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 रिटर्न कर देगा सी में। ठीक है, उसके बाद जब भी ये कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, द सम इज सम num1 और num2। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फंक्शन रिटर्न वैल्यू, जो कि हमारे मेन केस में 0 था और सम के केस में क्या है, वो दोनों की वैल्यू सम की वो रिटर्न कर रहा है। मतलब जो सी से रिटर्न आ रहा है वो सम num1 और num2 में क्या स्टोर हो रहा है। सबसे पहले num1 और num2 की वैल्यू हमने क्या दी थी, 8 और 3, और 8 और 3 वो मेन फंक्शन में सम को ढूंढेगा। सम जब उसे मिल जाएगा तो वो 8 और 3 जो num1 और num2 की वैल्यू थी वो हमारे मेन फंक्शन में जाएगा। तो मेन फंक्शन में वो a और b जो हमने दो आर्गुमेंट पास किए थे उसमें जाके वो एक्चुअली वैल्यू उसे असाइन हो जाएगी, a को 3 और b को 8। अब जब वो 8 और 3 रिटर्न ऐड करेगा तो वो किसको वैल्यू मिल जाएगी, c। और जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो सम में वैल्यू रिटर्न करेगा, इधर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, जो भी रिटर्न हो रही है वैल्यू वो हमारे सम फंक्शन में स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास, इस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। फंक्शन
अगर मैंने जो ऊपर अपना सम फंक्शन लिखा है, ये इस सम फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसको मेन फंक्शन के बाहर में लिखती हूँ, तो देखते हैं क्या ये रन होता है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ तो एरर आ जाएगा, ये देखिए एरर आ गया। ठीक है, कि सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड हियर, क्योंकि मैंने तो अभी ऊपर सम डिक्लेयर किया था, ठीक है, लेकिन वो जो सम है वो मैंने कॉपी करके मेन फंक्शन जहाँ पे मेरा एंड हो रहा है मैं उधर ले, क्योंकि हम क्या करने लगे अब फंक्शन प्रोटोटाइप आ रहे हैं। कभी कभी हम अपने मेन फंक्शन के बाद जब सम को डिक्लेयर करते हैं तो उसका सोल्यूशन होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है, ये बताता है पहले से कंपाइलर को कि ये फंक्शन आने वाला है, ये फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है, ये फंक्शन ये वैल्यू लेकर आएगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। बेसिकली ये फंक्शन होता है फंक्शन प्रोटोटाइप के, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो कंपाइलर है वो पहले से तैयार हो जाता है इन फंक्शन को एग्जीक्यूशन करने में। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप किस तरह दिखता है वो देख लेते हैं हम। अब ये देखिए, जो ऊपर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था वो मैं जहाँ पे मेरा फंक्शन एंड हो रहा है प्रोग्राम, उसके बाद मैंने इसको लिख दिया, अब इसको रन किया तो ये रन नहीं हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखती हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप, उसके बाद टाइप फंक्शन आर्गुमेंट, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, उसके बाद मैं इधर लिखती हूँ इंट सम, int n, int a और comma int b, उसके बाद क्या आ जाएगा semicolon। अब मैं जब इसको रन करती हूँ तो अब ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या एंटर किया था 3, 8 और 3 semicolon। अब ये देखिए ये होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, ये एग्जीक्यूशन जो कि बताता है कंपाइलर को कि ये फंक्शन आने वाला है, ये फंक्शन ये वैल्यू लेके आएगा, ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा। अब जब सबसे पहले वो मैं फंक्शन प्रोटोटाइप को रन करती हूँ तो वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा। ठीक है, जब मेन फंक्शन इसे मिल जाएगा, क्योंकि जब मेन फंक्शन उसको मिल जाएगा, अब जो हमने सम ऊपर डिक्लेयर किया था वो तो हमने मेन फंक्शन के बाहर किया था, बाद में किया था। प्रोटोटाइप ने क्या कर दिया कि ये कंपाइलर को बताता है कि अगर सम तो नहीं भी मिलता तो इसे ढूंढो, श्योरिटी देता है, गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम बात करते हैं पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं जो कि फंक्शन में बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें बनाती हूँ फंक्शन के अंदर, तो ये मेरे क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जो कि फंक्शन को पास करवाई जाती है, इस फंक्शन के अंदर जो हम पास करवाएंगे वैल्यू वो क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। अब सपोज मैं लिखती हूँ नम वन एंड नम टू आर एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर कौन सी होती है, वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन को पास करवाई जाती है। और फॉर्मल पैरामीटर कौन सी होती है, फॉर्मल पैरामीटर्स वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन में बनाए जाते हैं, जैसे कि ये देखिए फॉर्मल, मैं इधर लिख देती हूँ फॉर्मल पैरामीटर्स ए एंड B will be taken
taking values from actual parameter. Num1 and num2. तो फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जो कि फंक्शन में बनाए जाते हैं. तो ये होते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर. आई होप आपको समझ आ गई होगी फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है. अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.